आई नो योर नेम रिदा खान. अच्छा रिदा, मेरा सवाल है, कैन गर्ल्स बी जस्ट फ्रेंड विद बॉयज? आई थिंक नो. मोहम्मदा. अच्छा मोहम्मदा, हमारा एक सवाल है, एक हम शॉर्ट राय ले रहे हैं लोगों की, तो सवाल ये है कि कैन गर्ल्स एंड बॉयज बी जस्ट फ्रेंड्स? ये हो सकते हैं फ्रेंड्स, क्यों नहीं हो सकते. वेलकम, वी आर हेयर टू आस्क अ सर्टेन क्वेश्चन. सो कैन आई नो योर नेम? समन. महम. तो हमारा आज का सवाल है, कैन गर्ल्स एंड बॉयज बी जस्ट फ्रेंड्स? आई थिंक येस, आराम से. मतलब मेरे ख्याल से इंटेंशंस बस क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद दोस्ती हो ही जाती है. या आई थिंक प्लेटोनिक रिलेशनशिप्स डू एग्जिस्ट, एंड अगर उसको वैसे ही ट्रीट करे ना, एक सर्टेन डिस्टेंस होती है, एक सर्टेन लाइन होती है जो क्रॉस नहीं करनी चाहिए दोनों को. एंड आई थिंक दोनों के अंदर, दोनों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग होती है जो कि मेंटेन करके रखनी होती है, कि हाँ भाई पता है कि ये लाइन है और ये लिमिट है और इसको क्रॉस नहीं करना है. आपके ख्याल में क्या लड़का और लड़की दोस्त हो सकते हैं? हो सकते हैं, बट कुछ लिमिटेशंस रखते हुए. अच्छा, तो आपकी दोस्त है कोई? हैं, बिल्कुल है. ओह दैट्स ग्रेट. मैं एनईडी यूनिवर्सिटी में है फॉर अ सर्वे, तो मैं आपका नाम जान सकता हूँ? एरिशा. अच्छा, तो आज हमारा टॉपिक है, कैन गर्ल्स बी जस्ट फ्रेंड विद बॉयज? टेल मी योर ओपिनियन. आई थिंक नो. व्हाई नो? बिकॉज ऑपोजिट जेंडर हैं. तो ये तो आपने फेमिनिस्ट के अगेंस्ट चले गई. फेमिनिस्ट वाली क्या बात है इसमें? फेमिनिस्ट तो बोलती हैं कि हमें इक्वल आना है लड़कों के. फेमिनिस्ट तो ऐसा कुछ नहीं बोलती. इक्वल हैं तो इसका मतलब है फ्रेंड्स भी होंगे जब इक्वल हैं तो? यार विद नो फीलिंग्स. लेकिन अगर बेस्ट फ्रेंड्स कहते हैं अपने आप को, तब जो है सिचुएशन ख़राब हो सकती है आगे जाके. लंबे अरसे तक आप बेस्ट फ्रेंड्स नहीं रह सकते. दैट्स माई ओपिनियन बस. अच्छा, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अच्छा, एक हमारा सवाल है, तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम हमजा. और आपका? जकिया. अच्छा, हमारा सवाल ये है, क्या लड़के और लड़की सिर्फ दोस्त हो सकते हैं? जी हो सकते हैं, अब आपकी नहीं है तो अलग बात है. अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे जो चाहिए मिल जाती है. आप अपना बताएं. हाँ हाँ भाई, हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते. ये कौन है आप? ये हमारी दोस्त हैं बचपन की. आपको कोई परेशानी? सिर्फ दोस्त हैं. हाँ सिर्फ दोस्त हैं. ये आप हाथ पकड़ना छोड़ेंगे? हाँ छोड़ देंगे. अच्छा, तो आपका क्या है, आपकी क्या राय है इसमें? हाँ ऑफ कोर्स हो सकते हैं. अच्छा, तो आप दोनों कब से दोस्त हैं? बचपन से भाई, मजाक लग रहा था मैं क्या? अच्छा, आप तो सीरियस हो गए. अरे भाई हम दोस्त क्या, घर वालों से बात हो गई है या क्या, मजाक बना रहे हैं हमारा, कोई मजाक थोड़ी है. अच्छा, तो यानी आप लोग की आगे जाके उसका प्रोग्राम? बिल्कुल हाँ, इंशाल्लाह. कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन. बहुत देखें, पहली बात तो ये जस्ट फ्रेंड्स हों या बेस्ट फ्रेंड्स हों, मैं इस चीज़ को मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि गर्ल्स के साथ फ्रेंडशिप हमारे इस्लाम में ही जायज़ नहीं है. और इस्लाम में कहता हूँ कि बेहतरीन तर्ज अमल बताता है, मैं रहने की तरीका जो होता है ना इस्लाम, उसका बेहतरीन है, उससे ज़्यादा और बेहतर कुछ हो नहीं सकता. तो इसलिए जब उस चीज़ में हमारे इस्लाम में ही माना है ना वो चीज़, तो उस चीज़ का कोई रहता ही नहीं है. जस्ट फ्रेंड्स हों या बेस्ट फ्रेंड्स हों, इस चीज़ पर मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ इस चीज़ के. कैन बॉयज़ एंड गर्ल्स बी जस्ट फ्रेंड्स? यार आपका क्या है इसमें कहना है? असल में अगर नेचुरली बात करें तो जैसे आजकल का जो मॉडर्न एरा चल रहा है, तो उसमें ये है कि बॉयज़ एंड गर्ल एक अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं, गुड फ्रेंड बन सकते हैं, अगर उनकी जो है वो प्रस्पेक्टिव मतलब के बिल्कुल क्लियर हो. लेकिन अगर हम इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिल्कुल भी इसके अंदर किसी चीज़ की गुंजाइश नहीं है कि मतलब के बॉयज़ एंड गर्ल्स आपस में कोई किसी तरह से भी फ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं, अनटिल के जब तक वो निकाह ना कर लें. यानी कि अगर आपसे अगर कोई किसी तरह से अगर आपको मतलब के फ्रेंडशिप करनी है, कोई वो लग रहा है, तो आप डायरेक्टली जो है वो उसको निकाह का प्रोग्राम भेज दें, उसके बाद फिर दोस्ती भी करें और जो भी मतलब के वो करनी है. तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है बेसिकली के. तो आप कहना चाह रहे हैं कि निगाह कर लें डायरेक्ट, फिर दोस्ती ने पाए? हाँ, दोस्तियाँ वगैरह सब उसके बाद ही होगी, क्योंकि इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं. लेकिन अगर हम मॉडर्न एरे की बात करें तो उसमें देखा जाए तो ये कि बॉयज़ एंड गर्ल्स बिल्कुल होते हैं, बेस्ट फ्रेंड भी होते हैं और वो एंड तक चलती भी है दोस्तियाँ, बहुत अच्छी तरीके से चलाते हैं दोस्तियाँ. इनकी ज़रा मूव होते हैं, इनके ख्याल पूछते हैं. अच्छा अच्छा, हमारा आप लोगों से सवाल है, छोटा सा सवाल ये है कि क्या लड़का और लड़की दोस्त हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं. और आपका? मे बी यस. और आपका? हाँ हो सकते हैं. चलिए कुछ और स्टूडेंट्स हैं, उनकी राय जानते हैं. आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम है असनैन खान. आपका? जैनब. और आपका? तहनियत. अच्छा, हम लोग एक राय ले रहे हैं लोगों की एक टॉपिक पे, और वो टॉपिक है कि कैन गर्ल्स एंड बॉयज़ बी जस्ट फ्रेंड्स?
क्या लड़के और लड़की सिर्फ दोस्त हो सकते हैं? यार मेरे मुताबिक तो हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी इंटेंशंस जो है वो अच्छी है ना, तो मेरे मुताबिक हो सकते हैं, क्योंकि आप जो है उसको दोस्त एज आ सिस्टर भी मान सकते हैं और भी बहुत से हो सकते हैं, तो मेरे मुताबिक तो हो सकते हैं। अच्छा, और आपके मुताबिक? यार अकॉर्डिंग टू आवर डिसीजन हमारा ऐसा कोई मतलब रिलेशनशिप हो ही नहीं सकता दैट डिस्क्राइब्स जस्ट एज फ्रेंड्स। ये कौन है आपके? मैंने कब कहा है मेरे दोस्त हैं? तो आपके साथ तो बैठे हैं? साथ बैठे हैं पर दोस्त थोड़ी हैं। तो ऐसे आप किसी के साथ बैठ जाती हैं? ये तो ज़बरदस्ती बैठे हैं मैं अभी। चलें चलें ठीक है, आप बताएं। हाँ हो सकते हैं दोस्त। ये आपके दोस्त हैं? नहीं पर वैसे हो सकते हैं जितने दूसरे। ऐसे हर किसी के साथ जाके बैठ जाते? मैं हर किसी के साथ नहीं बैठी हुई, और वो बैठा हुआ मैं खड़ी हुई हूँ। तो ग्रुप में नहीं हो आप लोग एक हैं? नहीं नहीं हम एक ग्रुप में, हम एक क्लास में, क्लास फेलो। अच्छा अच्छा समझ गए। थैंक यू पूछते हैं आपका नाम? हमजा। अच्छा हमजा, हमारा सवाल है क्या लड़के और लड़कियाँ सिर्फ दोस्त हो सकते हैं या कैन दे जस्ट बी फ्रेंड्स? मतलब कितने ड्यूरेशन के लिए, अगर आपको यूनिवर्सिटी तक ही रखना है या स्कूल की फ्रेंड्स आपके साथ यूनिवर्सिटी में? यूनिवर्सिटी और बाहर के फ्रेंड में कोई फ़र्क है? जी फ़र्क होता है, क्योंकि देखें बाहर के हैं तो आप उनको बड़े अच्छे से जानते हैं, और यूनिवर्सिटी में फ्रेंड्स हैं ना तो वो तक आपके साथ सिर्फ 4 साल तक ही रहेंगे ना। तो यानी 4 साल में सब कुछ कर लो? नहीं देखिए 4 साल में आप उसके साथ सारी बातें करोगे, अपने पर्सनल इश्यूज भी बताओगे, बट वो 4 साल बाद लड़की के मतलब। तो यानी यूनिवर्सिटी में हलाल है और बाहर हराम है? सुने ना मेरी बात सुने आप, इंगेजमेंट हो जाती है फिर शादी हो जाती है तो रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं काफ़ी ज़्यादा, तो 4 साल बाद तो ख़त्म। अगर आपको 4 साल तक ही रखनी है उनसे फ्रेंडशिप तो फिर इससे फ़ायदा क्या है? 4 साल के आप उसको सब कुछ बता दोगे अपना, उसके बाद 4 साल बाद वो ख़त्म हो जाएगी तो फ़ायदा कोई तो फायदा? अगर कर ली 4 साल बाद से शादी फिर आपके साथ ही शादी, तो फिर वो रिलेशनशिप में क्यों नहीं आ रही, फ्रेंडशिप क्यों कर रही है वो आपसे? तो आपका क्या राय है इसमें ये जो आप बताएं? मैं कह रहा हूँ कि फ्रेंडशिप नहीं करनी चाहिए, अगर करना है तो सीधा रिलेशनशिप रखें। अच्छा यानी रिलेशनशिप हलाल है? क्योंकि हाँ हलाल है, हलाल है रिलेशनशिप, हलाल है देखें आप।